चंदा तू यही जा, तू यही जा का करत बनू? इतना घबराएल का बरू? ए चंदा, बोला का भाई? हाँ ना बताई तू, चला आराम से बता, बताओ। मानव, कुसुम। चलो चंदा, जल्दी सुन, चलो हमी सन अभी कभी चले मनु तो जल्दी सुन पहुंच जाए। चलो माँ की, माधव पहले तो अपन काम खत्म कर लो, ना तो ठाकुर सब तरह के गुस्सा करी है। देखा अभी टाइम नहीं है ये सब कुल बात करे के, अरे हमार काम तो बादो में हो जाए। और देख, आदमी के जान से ज्यादा जरूरी हूँ ओकर काम ना होला, और कुसुम नु ज्यादा जरूरी बा, ऐसे हम कहते हैं। चलो आबो आराम। चला चंदा, चंदा कहाँ भाई? चंदा, चंदा कहाँ भाई? चंदा चला ना। माधव हम ना आए, हमरा के डर लगता, हम वही जाना चाह पाए। चंदा तुम्हें डरा है कि कौन बात बा? हम बनी नहीं। चलो आओ आराम से। माधव, ये लोग की बेटी कूद लिया, एकर मतलब है कि हमार कुसुम बिल्कुल ठीक बा। हाँ हमरा मालूम बा कि हमार कुसुम बिल्कुल ठीक होगी। हाँ चंदा, बाकी कहाँ वहाँ होगी? अरे तू चिंता जिन कर अर्चना, तहार ननद हमेशा रहे खाती थोड़ी अलबड़ी, कुछ दिन में चल जाई है, ओकरा बाद तू आराम से ओ घर में राज करेगा, राइट? अच्छा ठीक बा, हम तेरा से बाद में बात करें, अपन ख्याल रखा। सुमन रुका, सुमन हमरा तारा से बात करे के बा। लेकिन हमरा तारा से कोनो बात नहीं करे के, टाइम नहीं है हमरा लगे, लोकत नहीं है कि हम अपना सहेली से बात करत आनी। दिख रहल बा, बहुत अच्छे से दिख रहल बा, अपन घर गृहस्थी में आग लगाए के दूसर दूसर के घर गृहस्थी बसावे के तरीका बता दो। सुमन जब से मनु के जन्म भइला तभी से आए के तू अपने नहिरे में रहत बाड़ो, बाकी हम कभो कुछ ना बोले ली। कि हम तो कई बेर आई नहीं तहरा का लिया जाए खातिर, बाकी पता ना कहे हम तहरा का कहे ना ये समझा सके नहीं कि आपन घर आपन होला और आपन घर में रह के चाहे। तू अच्छे से जाने ला कि तहार माई बाबू जी का माई बाबू, अरे ऐसा कौन से गलती हो गई हमरे माई बाबू से जेकरा खाली तू उनका से इतना नफरत करेलू?
अरे जोना दिन से तो हमरा से ब्याह कर हमरा घर में आई लो वह दिन से वो लोग तहरा के अपने सर पे बैठा के रखे लो बहू ना बेटी समझ लो तारा कितना प्यार कर अरे आप पथरा गई बा वो लोगन के अपन पतो और पोता के रास्ता देख देख के चाहे कब उनके इंतजार खत्म हुई देखा मेहमान जान बात कहे के बाना तो साफ साफ कही रउआ हमार सुमन से का चाहत बानी अम्मा जी हम यह चाहत बानी कि ये सब अब कुल खत्म हो के चाहे सुमन के अपने ससुराल में जाके रहे के चाहे बाकी हमरा के पता बाकी खाली हमरा के कह देवे से सुमन चले के तैयार ना हुई है यही खातिर हम एगो निर्णय लेने वाले हालांकि वो निर्णय लेवे में हमरा के बहुत तकलीफ भइल पर का करे निर्णय तो लेवे के पड़ी नू यदि यह खोए के होके चाहे तब यह सही सुमन हम कुछ दिन खातिर तारा और मनु के लेके अपन माई बाबू से अलग रह के तैयार है और जब सब ठीक हो जाए जब तहार मन लग जाए तब फिर से माई बाबू जी के पास चल चला तो बहुत ही अच्छा हो गई नु अम्मा जी देख लो सुमन तहरा खातिर मेहमान जी कैसन कुर्बानी कर लन अब तो तहरा मेहमान जी के साथे रहे में कोनो परेशानी ना होके हो तो अब हम बुझनी कि कुल बात रविंदर के दिमाग में के घुसवले बा अरे भौजी हम तेरा कंधा के बोझ हो गए बनी का शायद शायद हम तेरा राजपाट में दिक्कत करतन हनु हाँ सुमन सच कहत बाड़ू ये बात तो हम सोचले नहीं की तभी तो मेहमान के पसंद के सब्जी अब पराठा बनत बा रानी आपन राजपाट खातिर हमार बिटिया के कोनो कीमत पर एजा से निकाले के कमर कस लेले बाड़ू ओ जाए के वो गंदगी में रहे और तू ये हवेली में बैठ के राज करा ये चाहत बाड़ू अम्मा जी हम तो बस ये चाहे नी कि सुमन के घर फेर से बस जाए हम ओकर माई मर गए बानी का कि तू आकर ओकर घर बसेबू अम्मा जी कृपा करके चुप रही अरे भौजी तो हमनी के भला चाहे ली तू जे चाह जे करा हम घर में ना जाएं तो ना जाएं एक तो हम घरों में जाएं ऊपर से ओकरा से हाथों धोई तो हमरा हाथ में का बची हाँ यदि तू चाह तारा कि हम घर में चली तो उहे घर में जाएं जो ना घर में तहर माई बाबूजी रहता लो यदि घर से क्या निकली तब तहार माई बाबूजी हम ना यदि तारे मंजूर बा तो हम चले का हमार माई बाबूजी घर छोड़े अरे हम उनकरा के छोड़ के तारा साथे अलग रह के तैयार हो गए बानी इका कम बा अरे जौन बुढ़ापा में हमरा उनकरा के लाठी बना के रहल अब उनकरा के छोड़त था ऐसे तो हर पेट ना भरल देखा सुमन जब तू हमरा से ब्याह के ले रहलू हम वह टाइम बिल्कुल साफ साफ बता दे ले रहली कि हम एगो साधारण सा प्रोफेसर बन तो हर भाई नियन लाख रुपया ना कमोने और एजा से हमरे घर में नौकर चाकर ना करे के लोग काम करेला बुझलू अरे हमरा का पता रे कि ब्याह हमरा जी के जंजाल हो जाए अरे बचपन से हम सोना के पलना में खेलेंगे अरे बिया के बाद बबूल के कांटा पे सूते के परल ई मंगलसूत्र हमरा गला के फांसी हो गई बा जी के जंजाल हो गई बा हमरे गलती रहे
जे हम सोचने की तू सुधर जे बाकी ना तू कभो ना सुधर पू ठीक बा सुमना आज हम तारा से एको वादा करता नहीं कि आज के बाद हम तहार द्वार पे तहार घर पे अपन कदम ना रख ना ही आज के बाद तारा के परेशान कर कहो ना कहा कि तू घर चला मेहमान जी भौजी राय दे हम तोहरा आगे हाथ जोड़ता नहीं कुछ मत ए भौजी एक तो ही तहु जे हमार भावना के समझे ले बस भौजी हम के जाए दे एको बात और भौजी तहार बहुत बहुत धन्यवाद तारा कारण हम अपन मनु के साथ कुछ पल बिता सकिए थे अकी जाने जिंदगी में फिर वो पल मिले ना मिले जब अपने बेटा के संगे समय बिता सके थे अच्छा भोज हम चला था नहीं प्रणाम काबिल बेटा उसमें कुछ पता चला लो ना बाबूजी कुछ मालूम ना भाई बेटा देखना तोरा आवे के ठीक पहले कोनो ही लिफाफा हमनी के दुआरी पे फेंक के केवाड़ी खटखटा के भाग गई हम जैसे बाहर घनी देखने के पहले नहीं के देखना बेटा कहाँ लिखल बैठे का भाई लिफाफा में पता ना बेटा देख तो काबिल बेटा तू इतना घबरात काहे बड़े भौजी कहाँ हो गई कहाँ लिखल भाई चिट्ठी में भौजी अपन कुसुम के काबिल कुसुम के क्यों अगवा कर ले ले इस बार और रुक रुक के छुड़ावे कहाँ दे 25,000 रुपये मांगे पा और एक रामी लिखल बा कि गांव के उतर आपके लगे वो पैसे लेके हम रखे वो आदमी के देवे की पड़ी तीन दिन के भीतर ना था ना जाने हो हमारे कुसुम के संगे का करी है 25,000 हे भगवान अरे कोई सर मुसीबत में फंसा दिया ला आशा ई कुल नारंगी के का होए अम्मा जी हम सुमन के खातिर नारंगी के जूस बनावत हनी वैसे माई हम तो कहत हनी कि तारा अबे हवेली में नू
मुखिया के पद से इस्तीफा ले लेवे के चाहिए। कैसे की भौजी बाड़ी नो हमनी के देखभाल करे खातिर, तो तहार कौन जरूरत ना भौजी? सुमन ऐसन का है बोलत बाड़ू? वाह आशा वाह, सब जान के अनजान बनत बाड़ू। अरे अब तो ये हवेली के मलकिनी तो तू है नो बाड़ू। अम्मा जी सवा ही का कहते ही हमरा कुछ बुझात नहीं के। दो तीन दिन से तो हर करतू देख के इहे बुझाता कि अब तू ये हवेली के मलकिन बाड़ू तू। अम्मा जी हम तो तोरा के बाद सौक बाना रविंदर के घर में खुशी वापस लावे में, तो ऐसन करा ना तो तू चल जाओ घर में नौकरानी बन के और ओकर माँ बाप के सेवा करा पाँव दबावा। और वैसे भी अभी हवेली में तो हर कोनो काम नहीं है। ऐसा ना बोली अम्मा जी। तो का जरूरत लाला हमारे पति के तरफदारी करे के? आशा तू हमरा के एक बात बतावा, तोहार संबंध रविंदर से बा कि सुमन से? अरे तू सुमन के बजाय रविंदर का पक्ष लेते रहलू, ओ रविंदर का जे अपनी पत्नी के एक बूंद सुख न दे सकल। अच्छा रविंदर कहत रहले कि तारा वजह से वो मनु के संगे कुछ खुशी के पल बितावले, कब और कैसे जरा हमू जानी? सुमन बुरा मत मनीहा, तू जब अपन सहेली के छेका में गई रहलू तो हम सोचनी यदि मेहमान जी मनु संगे कुछ पल बिता ली है तो उनकरा बहुत ही खुशी मिली। बस यही से हम कुछ समय खातिर मनु के उनकरा पासे छोड़ देनी। भौजी हम तारा के साफ साफ कहले रानी कि हमरा लड़का के मत छुई हा। कहले रानी नू बाकी ना तू अपन दिमाग लगाइबू और जौन मन करे उहे करबू। ढेर दिमाग मत लगावा, जमीने पर रहा जमीने पर आसमान में ना। चला सुमन एकरा से तो कुछो कहल ना बेकार बा। अब जल्दी तुम खा के पूरा खाना खत्म कर दे, ज्यादा नखरा मत कर, जल्दी से खा ले। हमनी तोहरा के मारब ना, हमार सेठ जी कलन तोरा के मारे के ना बा, खूब पिला पिला के रखे के बा। यही से कहता नहीं कि हमनी के काम आसान कर, चल खा ले। हमरा के जे काहे लाइल गेल बा, हम का बिगड़ लिया था? देखा हमरा दीदिया लगे पैसा नहीं के कि वो तोरा के दे दी। हर चीज के कीमत पैसा से ना अकल जाला। हमार सेठ जी हमला के हुकुम देले बने कि तोरा के जिंदा रखे के बा, यही से कहता नहीं बेटा खा ला और जिंदा रहा। और अपन बाप बहन के चिंता मत कर, उनकरा से तो हम बतिया के सौदा कर लेब। तू खा और आराम से खा। चाची जी रवा ये का कहत है? हाँ आशा माधो रात भर से घर नहीं आईलस, हमरा की तो बहुत चिंता हो रहल बा, कहाँ चल गई बा पता नहीं। चिंता जिन करे चाची जी, माधो बबुआ बहुत ही समझदार और जिम्मेवार बा। लो आ गई। कहाँ रह ले रात भर, कितना चिंता होत रहल हमरा के। ठीक तो बानू सब ठीक बा भौजी। अरे सब ठीक बा माई, अरे चिंता की कोई बात नहीं थे। और पास वाला गांव नहीं थे वो, जहाँ मेरे को बिजनेस के बहुत जरूरी काम से गए ले। काम में हम इतना उलझ गए नहीं कि हम तू लोग फोन ही ना कर पाए। तो ठीक बा हमरा फिर जाए कोई, हम अभी आवत है। फिर निकले के बा काहे? तनी सुन आराम तो कर ले बबुआ,
ना भौजी, काम बहुत जरूरी बा, अभी हमारा जाए कोई कहे कि बहुत कुछ दाव पे लागल। फिर से जाए के बा? ऐसा कौन जरूरी काम बा? का दाव पे लागल बा? का पता वो लोग कुसुम के साथे कैसन बर्ताव करत होंगे, ओकरा के हम कैसे छुड़ाएं, और इतना रुपया पैसा हम कहाँ से लाए? 25,000 तो अभी बहुत दूर बा, हमरा लगे तो 15,000 रुपया निखे कि अपन घर गिरवी से छुड़ाएं। हमार एक के गो दोस्त बा माधव, बाकी वो तो ड्राइवर बा, वो कहाँ से 25,000 जुटा पाए? ये अलग बात बा कि वो अपन ठकुराइन से मांग के 25,000 जुटा ली, बाकी हम ओकरा पर बोझ ना डाले। पर हम अपन इतना बड़का संकट से कैसे निकले भगवान? भगवान, आज हम महिला में अपना कितना अकेला महसूस करनी हो, महिला बेन भगवान हमारे कुसुम की रक्षा करियो, रक्षा करियो। सेठ जी, वो लड़किया ठीक से खाना खा रहा लिया। बहुत अच्छा खेले रे, बहुत अच्छा। और यू लड़किया चंदा, ओकरा के खबर भिजवा दे लेना कि ओकरा के 25,000 रुपया देवे के पड़ी। हाँ मुनीम जी, खबर भिजवा देनी। ठीक बा, अब ते जो ये जा से और वो कुसुम के ख्याल रख। ठीक बा। गर्दन कटा ले सरकार, पर झूठ ना बोलब तरह से। रउआ का दिमाग लगौली है, रउआ के तो चरण धो धो के पिए के मन करा था। यदि रउआ के जितना हमरे पल्ले तनिको दिमाग रहत तो। हट, बचर बचर बंद कर और एक काम पर ध्यान दे। अभी तक सब कुछ प्लान के साथ हो रहा बा, और ये आगे भी होके चाहिए। सरकार, सब प्लान के मुताबिक ठीक हो रहा बा, रउआ चिंता ना करी। अरे वो लड़किया अपना बहन के स्कूल के फीसों ना ठीक से जुगाड़ कर सकी, तो 25,000 रुपया कहाँ से जुगाड़ करी अपना बहन के छुड़ावे खातिर? 25,000 जुटावे के खातिर चंदा के तो ठाकुर साहब के सहारा ले ही के पड़ी। और ये जब वो अपना बहन के छोड़ावे खातिर ठाकुर साहब से पैसा ले ली तो ओकर सिर पे सरकार के एहसान चढ़ जाए। तो ठाकुर साहब के सहारा ले ही के पड़ी। और ये जब वो अपना बहन के छोड़ावे खातिर ठाकुर साहब से पैसा ले ली तो ओकर सिर पे सरकार के एहसान चढ़ जाए। बस यही बात के फायदा हमनी के उठावे के बा, और सरकार ये बात के फायदा उठाई, और ये सब प्लान के मुताबिक तो हो रहल बा। हम ओकरा के अपना एहसान तले इतना दबाए यू हमरा से बच ना पाए। ओकरा के हमार पैसा के बदला तो चुकाही के पड़ी। जब वो हमरा एहसान तले दब के हमरा लगे आके हमारा एहसान उतारे के कर्जा उतारे के बात करी, तब हम ओकरा से अपन दिल के अरमान के बात करब। ओकरा से बड़ा प्यार से हम अपन सारा कर्जा उतरवा लेब।
अब देखब कि चंदा रानी हमरा से बच के कहां जाता रही। ए बेरी तीर सही निशाना पर लागल बा। ये ले बेटा, एक कुल 5,000 रुपया बा। अभी तक बस इतने पैसा जुटा पे नहीं जाम के। बाऊजी, अब ही हमने के 20,000 रुपया जुटाए के बाद इतना पैसा। बेटा एगो बात कहीं बुरा ना मन बे, वो का बात है बेटा कि पैसा के इंतजाम करे खातिर तू कितना मेहनत करे ले, लेकिन हमने कहा अपन गिरवी रखल घरो ना छोड़ा पैनी जा। बेटा बस यही से एगो बात हमारा दिमाग में आ रहा बा। कौन बात बाऊ जी? कहा बेटा कि एक वैसा आदमी बा जे देवता बन के हमने के ई आफत से बचा सकेला। ठाकुर निर्भय प्रताप सिंह। ये तो का कहा पड़ा बाऊजी? अरे सोच बेटा कि जब हमने के लगे पैसा के कमी रहे तो कैसे काम दे के हमने के मदद कर ले रहा। वो बात अलग बाकी तू बिना पैसा ले ले चले ले बेटा। ना बाऊजी, उहे टाइम पे पैसा ना लेवे के जौन कारण रहे, उहे कारण से हम तरह के अभी मना करत वाले। हमारे ठाकुर साहब से कौनो दुश्मनी ना, बस वो हवेली और हवेली के लोगन के सोच विचार ना बाबूजी। ठीक बा, ते खुद ही सोच ले कि तोरा खातिर का जरूरी बाटे, तोर बहन या तोर विचार। अरे चौना बहन के जिंदगी बनाओ खातिर ते अपना जिंदगी के बारे में ना सोच ले। ओ बहन का तू ऐसे ही तू तो इतना जल्दी मंदिर कबहू ना जावे लो। आज आरती का थरिया लेके कहाँ जात बाड़ू? ओ अम्मा जी, हमने एगो मन्नत मंगनी है कि जब तक ले ये हवेली की वारिस ना दे दे तब तक ले रोज मंदिर जाए के एगो नारियल चढ़ाए। हम वही जे जात बानी। आशा की तो बच्चा आप कबू होंगे ना तो ये बोन्स कैसे बोड़ी? हमार बात मानो तो माधव के ब्याह करा दो, उकर बेटा होई तो तोहरो तो पोता के अरमान पूरा हो जाई आ ये बोन्स के बारिशो मिल जाई। ये वसीयत देख के तो हमार दिमाग जड़ हो गई बा। हमरा दिमाग में तो बस इस समय एक को बात घूम रहा कि जल्दी हमारा औलाद पैदा ना हो तो सारा वसीयत आशा माधव ट्रस्ट के नाम। ए माई कावा बाड़ू भाई। सुमन तो हर नजर में केहू खानदानी कुंवारी लेके बा अपन गांव में। अरे कौनो अच्छा खात पियत परिवार के लेके बस पगला गिल बड़ू का प्रेमलता चाची के बात कितना सीरियसली लिहल जाला। अरे हम का कहतानी माधव के बियाह के बारे में सोच सोच के अपन समय बर्बाद करके कोनो जरूरत नहीं थे। अरे अगर सोचे के बाद तो सोचा निर्भय भैया के वारिस के बारे में तबे न कुछ होई। अरे यह तो हम सोचत बानी कि निर्भय के वारिस कैसे मिली। तो बहने तो हम तोरा से पूछनी है कि कोनो लड़की बात तो हर नजर में तो बता दो। यदि हमने निर्भय के फिर से ब्याह करवा दें तो वारिस तो अपने आप ही मिल जाए। अरे वाह माई वाह, का बेजोड़ आइडिया बना।
तो आज से हम लड़की खोजल चालू कर देता नहीं आ तू वो खोजल चालू कर दा। अरे निर्भय भैया खातिर तो नीमन नीमन लड़किन के हंगन लाइन लग जाई। अरे निर्भय भैया जैसे लड़का तो ये लड़किन संग के आसानी से थोड़े मिली। अरे तहार पतो इनका खानी और बल्कि इनका से लाख गुना नीमन गुनी और खूबसूरत लड़की मिली तारा। ठीक कहत बाड़ो सुमन, ए बेरी हमरा के सर्वगुण संपन्न लड़की चाहिए। सर्वगुण संपन्न जे हमार निर्भय के परिवारों बसाए और हमनी खातिर वारिसों पैदा करे। पिंजरा पिंजरे होले चाहे वो सोने का काहे ना होले, और यदि हमरा के क्यों पिंजरा में बंद करने की कोशिश करी नो तो बहुत पछताई। काबिल नमस्कार का बन रहे सरकार बातें ऐसन बा रहुआ सुनी तो रहुआ मुस्काई लगी। केहू सरकार से मिले खातिर आइल बा। आवा हो भाई आवा। अरे 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 उठी उठी ये क्या करता नहीं तो बुजुर्ग आदमी बनी ये सब सोबा ना देला। ठाकुर साहब आज रवा से को भीख मांगे आयल बैठे हो। रवा जोन भी बोले के बस आप सब बताई बुझाइल बोली कहा हो गए। ठाकुर साहब बहुत रामदिल इंसान हुआ और मदद जरूर करिया बोली। ठाकुर साहब हमारा ऊपर वो कृपा करी हमार छोटकी बेटी के गुड्डा उठाने के बड़ा था अब हम कहवा जाई रोवे थे होता मैंने राउर आसरा बट ठाकुर साहब मदद करी हमार हमने के बचा ली ठाकुर साहब बचा ली। के करे इतना हिम्मत हो गई लो भाई बेचारी इतना मासूम लड़की के उठावे के केकरे इतना हिम्मत हो गई। ऐसे कैसे कोनो ससुराल हुआ बिटिया के उठा लीजिए कौन हो सलू बताइए हमरा के पता ना कौन हो सर और कहाँ से आया बड़ा सर बस यही चिट्ठी दिला सर अब बहुत पैसा मांगने वाला सर ठाकुर साहब। खैर राहुल चंदा बिटिया तो अपना घर के काम खुदे संभाले ली नू तो वो रोगा साथे जरूर आई रही है। कहाँ बड़ी वो बाहर खड़ा बड़ी का देखिए हमरा अच्छा ना लगे कि कोई मजबूर इंसान हमरा सामने हाथ फैलावे। कहाँ बड़ी रहो बेटी लोकत नहीं की वो कहा है ठाकुर साहब की उस छोटकी बेटी खोजे में अपन जी जान लगा दिले भैया एक खातिर हमारा के रहुआ लगे भेजला सिया न तो खुदे रहुआ लगे मेहनत मांगे आई। ठीक बा कोनो बात ना गरीब गुरबा के मदद खातिर हम कबो पीछे ना हटे नहीं। अंशाम जी सरकार यहाँ के जितना पैसा चाहिए दे दो। जी जी असुनी रहुआ इनका साथे बाहर जाके बाकी हिसाब कर ले आज जैसे राउर बिटिया के सही सलामत खबर आ जाए राउर बिटिया रुआ पास आ जाए हमरा एक खबर कर दे। जरूर राउर ये एहसान हम जिंदगी भर अपना कपार तक हुआ। चंदा बिटिया हम दहरा खातिर और कुसुम के खातिर पैसा जुटावे के कोशिश करब बाकी एकरा में एक दो सप्ताह लग जाई काहे कि कोनो एक दो हजार रुपया की बात नहीं थी पूरे 20,000 रुपया की बात बा। सगरी गांव में इतना पैसा एक आदमी के पास ना होगी
समझ रहा बारू ना चंदा? एक सप्ताह तो बहुत देर हो जाए पंडित जी, और ही जल्दी पैसा जुटा के कौनो रास्ता नहीं खेगा। पंडित जी हमरा लगे इतना समय नहीं खे, और ही कुसुम परी खतरा मंडरा रहल बा, हमरा के कौनो उपाय बताई पंडित जी। हम खूब मेहनत करब पैसा खातिर, रवा जौन कहियन हम वैसे नहीं करब, बस हमरा के कौनो रास्ता बताई। हम मजबूर बानी, हमारी मजबूरी समझा, भगवान पे भरोसा रखा, वो जरूर तोहरा के मदद करी। भगवान केहू के जरूर भेजे तोरा मुश्किल हालात से निकाले के खातिर।